नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अ स्टीम बॉयलर यूजेस कोल इन द फर्नेस. द अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ कोल इज कार्बन 78%, हाइड्रोजन 3%, O2 3%, S 1%, एंड ash 10%, एंड moisture 5%. एक्सेस एयर सप्लाइड इज 30%. कैलकुलेट द मास ऑफ एयर टू बी सप्लाइड एंड मास ऑफ गैसियस प्रोडक्ट फॉर्म पर केजी ऑफ कोल बर्न. नाउ सॉल्यूशन. गिवन डाटा, द कंपोजिशन ऑफ कोल इज गिवन. सी 78%, दैट इज 0.78. H 3%, दैट इज 0.03. ऑक्सीजन 3%, दैट इज 0.03. सल्फर 1%, दैट इज 0.01. ऐश 10%, दैट इज 0.1. मॉइस्चर 5%, दैट इज 0.05. नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, मास ऑफ एयर टू बी सप्लाइड, मास ऑफ एयर टू बी सप्लाइड, एंड सेकंड इज मास ऑफ गैसियस प्रोडक्ट वी हैव टू कैलकुलेट. नाउ अवर फर्स्ट आंसर, मास ऑफ एयर टू बी सप्लाइड, मास ऑफ एयर टू बी सप्लाइड. फॉर दिस वी हैव टू कैलकुलेट मास ऑफ एयर टू बी सप्लाइड. नाउ वी नो द फार्मूला, वी नो थेरोटिकल मास ऑफ एयर, थेरोटिकल मास ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट बर्न ऑफ, फॉर कंप्लीट बर्न ऑफ 1 kg ऑफ कोल. द फार्मूला इज 100/23 इन ब्रैकेट, इन अदर ब्रैकेट 8/3C प्लस 8H2 प्लस S इन ब्रैकेट कंप्लीट माइनस O2 ब्रैकेट कंप्लीट kg. नाउ पुट द वैल्यूज 100/23, 8/3C 0.78 प्लस 8H2 0.03 प्लस सल्फर 0.01 ब्रैकेट कंप्लीट माइनस O2 0.03. बाय कैलकुलेटिंग दिस वी गेट 10.1 kg. दिस इज योर फर्स्ट आंसर, मास ऑफ एयर टू बी सप्लाइड, दैट इज 10.1 kg. हियर इन दिस न्यूमेरिकल द एक्सेस एयर इज ऑल्सो गिवन, विच इज 30%. नाउ द एयर, द मास ऑफ एयर दैट इज 10.1 kg इज फॉर इनकम्प्लीट बर्न. सो फॉर द कंप्लीट बर्न वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सेस एयर सप्लाइड पर kg ऑफ कोल. द एक्सेस एयर इज यूर 30%. नाउ 30 × 10.01/100, 3.303 kg ऑफ एक्सेस एयर टू बी सप्लाइड. सो द टोटल मास ऑफ एयर, टोटल मास ऑफ एयर टू बी सप्लाइड फॉर कंप्लीट बर्न इज योर थेरोटिकल एयर प्लस एक्सेस एयर. थेरोटिकल एयर इज योर 10.1 प्लस एक्सेस इज योर एयर इज योर 3.02. इट इज 13.13 kg. दिस इज योर फर्स्ट आंसर. नाउ वी मूव योर सेकंड आंसर, दैट इज मासेस ऑफ ऑल गैसियस प्रोडक्ट, मास ऑफ ऑल गैसियस प्रोडक्ट्स. द गैसियस प्रोडक्ट्स फॉर्म आर द, व्हाट इज द गैसियस प्रोडक्ट, विच गैसेस आर इंक्लूडेड इन द गैसियस प्रोडक्ट. इन गैसियस प्रोडक्ट आर फॉर्म बाय आर
form by carbon dioxide, water means your H2O, sulfur dioxide that is S2, excess oxygen and nitrogen, that is your N2. Now we have to find the masses of all these gaseous product. For this we know that 1 kg of carbon produces 11 by 3 kg of carbon dioxide. 1 kg of hydrogen produces 9 kg of water. 1 kg of sulfur produces 2 kg of sulfur dioxide. 1 kg of carbon produces 11 upon 3 kg of carbon dioxide. 1 kg of hydrogen produces 9 kg of water. 1 kg of sulfur produces 2 kg of sulfur dioxide SO2. So mass of CO2 produced per kg of coal, 11 by 3 C is given your 0.78. mass of carbon is given, that is 2.86 kg. Now move mass of H2O. Mass of H2O produce per kg of coal, that is 9 kg of H2, means 9 O. 9 multiply your oxygen is given, mass of oxygen is 0.03, it is 0.27 kg. Now next, mass of SO2 produce per kg of coal, that is 2 kg of SO2, means 2 multiply by S2, 2. Mass of sulfur is given 0.01, that is 0.02 kg. Now after finding out carbon, CO2, H2O and SO2, we have to find the excess oxygen. Now the mass of excess O2 produced per kg of coal is your 23 by 100 into excess air supplied. 23 by 100, excess air is your calculated already 3.03. By calculating this, we get 0.070 kg. Now last, mass of nitrogen per kg of coal, that is 77 by 100 multiply by actual mass of air supplied, 77 by 100 multiply by actual mass 13.30 air. By calculating this, we get 10.1 kg. Hence, we got our second answer. Mass of all gaseous product, CO2 2.86 kg, H2O 0.27 kg, SO2 0.02 kg, excess O2 0.70 kg, nitrogen 10.01 kg.